दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पांचवें दिन पार हुई रोमांच की सारी हदें। ऑस्ट्रेलिया ने की विस्फोटक बल्लेबाजी तो भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कर मचाया ऐसा कोहराम जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने आतिशी बल्लेबाजी की तो वहीं गेंदबाजों ने वापसी करके मुकाबले को हार से दूर भगाया और मुकाबले में रोमांच पैदा किया। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज को अपने नाम हासिल किया, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इससे पहले, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का अंतिम मुकाबला बेहद रोमांचक तरीके से ड्रॉ हो गया है। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर खेले गए ऐतिहासिक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 480 रन पहली पारी में बना दिया। इसका पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 571 रन बनाए। इस बीच भारतीय टीम ने 91 रन की बढ़त हासिल कर ली, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी और चौथे दिन की समाप्ति तक 6 ओवर के अंदर 3 रन बनाकर विकेट खोकर बना दिए। लेकिन जब अंतिम दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड ने शुरुआत की और गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन ने शानदार शुरुआत कर डाली। इस बीच ट्रेविस हेड ने 1 रन के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक नहीं कर पाए कुनहमन ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला और पहले ओवर में 5 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, जहां पर इस दबाव का असर बल्लेबाज पर पड़ गया, जहां बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे कुनहमन को अपना विकेट देना पड़ा। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को पहला विकेट 14 रन के स्कोर पर मिल गया, जहां पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे कुनहमन रविचंद्रन अश्विन की फिरकी में फंस गए और LBW आउट हो गए। इस बीच बल्लेबाज कुनहमन बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाए, जहां पर उन्होंने 35 गेंदों के अंदर एक चौके की मदद से 6 रन की पारी खेली। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लबुशने आए, जहां पर उन्होंने अपना खाता 14 ओवर में 11वीं गेंद पर खोला। इस बीच 26 ओवर में बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने छक्का लगाकर अपने ऊपर से दबाव हटाया और 50 रन का आंकड़ा पार करवा दिया। इसी बीच 31 ओवर में ट्रेविस हेड ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल के सामने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए अपनी बल्लेबाजी को आक्रामक रूप दे दिया और अर्धशतकीय साझेदारी भी मार्नस लबुशने के साथ पूरी कर ली। हालांकि ये तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया। इसी बीच 36 ओवर हो जाने के साथ पहले सूत्र का खेल समाप्त हुआ, जहां पर 30 ओवर के अंदर 70 रन और 1 विकेट भारत ने अपने नाम किया। हालांकि जब लंच के बाद दूसरे सत्र में भारतीय टीम टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि न्यूजीलैंड में श्रीलंका को टेस्ट मुकाबले में अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया, जिसके बाद भारतीय टीम ने जश्न मनाया। इसी बीच 42 ओवर में ट्रेविस हेड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगा दिया। इसी बीच ट्रेविस हेड ने अपना 13वां अर्धशतक लगा दिया, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड नहीं रुके और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 44 ओवर में चौका लगाकर बढ़त को समाप्त करते हुए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी होने लगी, जहां पर ट्रेविस हेड ने रविचंद्रन अश्विन के सामने 45 ओवर में एक बेहतरीन चौका और एक लंबा गगनचुंबी छक्का मार दिया और इसी के साथ भारतीय टीम के सामने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर दिया। लेकिन इसी बीच 48 ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो गई, वहीं 58 ओवर में मार्नस लबुशने ने अपना 15वां अर्धशतक पूरा किया। इसी बीच ट्रेविस हेड ने मार्नस लबुशने के साथ 139 रन की साझेदारी की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अपना विकेट गवा दिया, जहां पर बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड ने 60 ओवर में अपना विकेट गवा दिया, जहां पर अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी फिरकी में ट्रेविस हेड को फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ ट्रेविस हेड ने 163 गेंदों पर 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेली और इसी के साथ अक्षर पटेल ने अपने टेस्ट में 50 विकेट पूरे किए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान स्टीव स्मिथ आए, जहां पर उनका पहली ही गेंद पर विकेटकीपर ने कैच छोड़ दिया और इसी के साथ दूसरे सत्र का खेल भी समाप्त हो गया, जहां 28 ओवर के अंदर 85 रन आए और 1 विकेट गिर गया। ऐसे में अंतिम टेस्ट का अंतिम सत्र प्रारंभ हो गया, जहां पर स्टीव स्मिथ ने अंतिम सत्र के बाद दूसरी गेंद पर यानी अपनी 21वीं गेंद पर अपना खाता चौके के साथ खोल दिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगा दिए। तो वहीं गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में वापसी की और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दबाव बनाया, जिसके कारण 76 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिया और इसी तरीके से मुकाबला ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।